विकासासाठी निधीची मागणी केलेली आहे. लोकसभेत त्यांनी हा प्रस्ताव मांडलेला आहे. पाहूयात ही बातमी. सर, आपने जो मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं. मेरी लोकसभा क्षेत्र के महाबलेश्वर और पाचगणी, जिस पाचगणी में इंग्लिश मीडियम स्कूल है सालों से, ये महाबलेश्वर ब्रिटिशों ने ढूंढ निकाला और बंबई जो इस भारत की आर्थिक राजधानी है वहां के बड़े बड़े लोग हमेशा के लिए टूरिज्म को शुक्रवार रात को आते हैं, शनिवार रहते हैं और इतवार को वापस जाते हैं. लेकिन आने जाने में तकलीफ इतनी है क्योंकि रास्ते अच्छे नहीं है. एक मार्ग महाड़ कोकण से है पोलादपुर तक, दूसरा मार्ग पुणे से है और तीसरा मार्ग सतारा से है. तो मैं चाहूंगा ये रास्ते बड़े करने के लिए ये टूरिज्म का जो बजट है उसकी कुछ राशि उधर मिले. दूसरा, हमारा कृषि प्रदर्शन जो है, क्योंकि गन्ने की खेती हमारे यहां बड़ी अच्छी होती है, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट जो पुणे में है वहां गन्ने की कई जातियां लगाते हैं, उगाते हैं. वो देखने के लिए काश्तकार भारत में से आते हैं, उनके भी कुछ सुविधा करना जरूरी है. रूरल टूरिज्म में हमारे बैलगाड़ों की एक शर्यत रहती है. मेरे मित्र अमोल जी जिस एरिया से आते हैं, जुन्नर और अंबेगांव परिसर से और पश्चिम महाराष्ट्र में एक बैलगाड़ी की शर्यत भी जोर से चलती है, लेकिन उसमें जो बंदी आई हुई है वो उठाने की जरूरत है. हम सब चाहेंगे तो जरूर काश्तकार के बैलों की कीमत इतनी कम हो रही है क्योंकि उनको ग्राहक ही नहीं मिल रहे, बंदी जो लगी है वो उठाने की जरूरत है. महाराष्ट्र में अष्टविनायक और 11 मारुति, इसका जो रिलीजियस टूरिज्म है उसके बारे में शिरडी, तुलजापुर, सप्तशृंगी, इसके बारे में भी और तुलजापुर के बारे में ख्याल करके रास्तों की सुविधा करना चाहिए. बंबई में जो चैत्य भूमि है जहां आदरणीय महामानव बाबा साहेब अंबेडकर जी अंत्येष्टि करवा दी, उसका भी टूरिज्म में बड़ा महत्व है. वैसे उन्होंने जो धर्मांतर किया वो दीक्षा भूमि नागपुर में है, उसकी भी रौनक बढ़ाने के लिए हम सबने प्रयत्न करना जरूरी है. वैसे ही पंढरपुर है, देहू है और आलंदी है जहां ज्ञानेश्वर और संतु जो दिल्ली निकलती है वो चलते चलते जो रहा है कम से कम 200 किलोमीटर के है, लेकिन उसका भी रख रखाव अब कम पड़ रहा है. इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां शिवाजी महाराज पैदा हुए शिवनेरी में, बाद में राजगढ़ में उन्होंने राजधानी की, वो राजधानी फिर रायगढ़ गई, पुरंदर एक बड़ा फोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज जितने फोर्ट बनाए हैं उनकी हालत अभी अच्छी नहीं है क्योंकि कई चीजें अभी गिर रही है. इसीलिए और कोस्टल जो महाराष्ट्र में प्रदेश है जिसमें रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, गोवा को लग के ये जो भाग है उसमें अगर टूरिज्म, कोस्टल टूरिज्म निकाल दिया तो हम लोगों का, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और उनकी जिंदगी आज से बड़ी अच्छी होगी. वैसे ही रायगढ़ पे रोप वे लगाया है, उससे प्रतापगढ़ में और पुरंदर में रोप वे लगाया तो लोग जाएंगे और बूढ़े बच्चे और महिलाओं को वो एक सुविधा रहेगी, उसके बारे में भी सोचना जरूरी है. मैं चाहता हूं कि बंबई का महत्व जरूर है लेकिन बंबई में अभी भी एम्प्लॉयमेंट होते हुए ग्वालियर टैंक जहां भारत छोड़ो की एक घोषणा स्वर्गीय महात्मा गांधी ने की थी वो भी एक बड़ी देखने लायक चीज है. मुंबई ये बड़ा शहर टूरिज्म के लिए
लेकिन रहने की सुविधा नहीं है, यात्री निवास बनाना चाहिए और लोगों को थोड़े पैसे में रहने की अगर सुविधा हो जाएगी तो लोग जाएंगे और टूरिज्म बढ़ जाएगा। आपने जो मुझे मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।